जाप कार्यकर्ताओं ने बिहार के भभुआ रोड स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हो गई। ये लोग फसलों पर एमएसपी गारंटी और किसानों को खाद बीज की आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही जाप वार्ड सचिव को स्थायी नौकरी में बदलने और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने भभुआ रोड स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर हावड़ा कालका मेल को कुछ देर तक रोक दिया। हालांकि स्टेशन पर जल्द ही हालात सामान्य हो गए और गाड़ियों की आवाजाही जारी है। जाप के पूर्व विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि किसान खाद की किल्लत को लेकर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार को किसानों का दुख दर्द नहीं दिखता। वार्ड सचिवों को लेकर भी उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोला। पूर्व विधायक ने कहा कि सरकार ने सभी सचिवों को 2 साल तक नौकरी पर रखने के बाद अब ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, अब हम किसी और को बहाल करेंगे। बहुत हो गया। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। हावड़ा कालका मेल को यहाँ पर रोकने की कोशिश प्रदर्शनकारियों ने की। गाड़ी के इंजन के सामने ये आ गए। एमएसपी सहित कई मांगे हैं जिसे लेकर जाप ने प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद कार्यकर्ता वहां से हटे और तब जाकर परिचालन सामान्य हो पाया। लगातार मोदी जी अपने तानाशाही के कारण लमसम लगभग 1.5 साल से किसानों को रोड पर रखे हुए हैं। 800 किसान मर गए जाड़ा के वजह से, गर्मी की वजह से, भूख के वजह से। और मोदी जी जब यूपी के अंदर चुनाव, 5 राज्य के अंदर चुनाव आया, देखावटी रूप से काले कानून को वापस करने का उन्होंने ढकोचला किया, एमएसपी को अभी तक लागू नहीं किया। हम लोगों की मांग सीधे तौर पर मोदी जी से है, पूरे भारत के किसानों के, नौजवानों के। किसान से ही जज है, कलेक्टर है, डीएम है, प्रधानमंत्री है, मुखिया है, चोर है, बदमाश है, सब लोग किसान से पैदा लेता है। और उन किसान के जननी रूपी, माँ रूपी, पिता रूपी किसान के साथ नीतीश माननीय मोदी जी जो अन्याय कर रहे हैं, यह देश बर्दाश्त नहीं कर रहा है। इसलिए पूरा भारत किसान के समर्थन में जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव और हम लोग आज रेल कालका मेल को भी रोके थे। भभुआ रोड स्टेशन है और भारतीय रेल का एक मुख्य स्टेशन है जिला मुख्यालय का, और यहाँ पर सब ट्रेनें जो है आबाद गति चल रही हैं। तो जो आहूत बंद था पूर्व से, तो नेता लोग आए और हमको समझा बुझा करके हटा दिया। परिचालन ये 1:23:11 है कालका एक्सप्रेस, जो अपने शेड्यूल टाइम जो है 7:18 से 7:20 तक रुकी थी और अपना नियमित ठहराव के बाद चली गई। तो इसमें कोई भी परिचालन वादा नहीं है और कोई भी अवरोध नहीं है, और हमारा परिचालन अब तक जो है अक्षुण है और बाध्य चल रहा है।